हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के अलावा वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहां से सैकड़ों वीरों ने देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीदों को सम्मान देने और भारतीय सेना में तैनात सैनिकों के प्रति आभार जताने के लिए जम्मू से पालमपुर तक एक परम वीर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें 22 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जम्मू से पालमपुर के बीच साइकिल चालकों ने 3 परमवीर चक्र विजेताओं कैप्टन बाना सिंह, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों को सम्मानित किया। पालमपुर के परमवीर चक्र विजेता शहीद विक्रम बत्रा के अलावा शहीद मेजर सुधीर वालिया और शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के घर जाकर भी उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। आयोजक संस्था के राष्ट्रीय प्रशासक ब्रिगेडियर हरचरण सिंह ने कहा कि ये साइकिल रैली देश के नौजवानों जागो, देश के इतिहास को पहचानो की थीम के साथ आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान 220 किलोमीटर का सफर तय किया गया। ये रैली को करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य था। जैसे आप सब जानते हैं, एक कवि ने कहा है, न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो। तो इसी के अंतर्गत हमारे सैनिक जो है और हमारे जो शहीद हैं, उन्होंने इस देश को रक्त दिया है जिससे ये देश चलता है, हमारी सुरक्षा जो है उससे होती है। तो इन वीर के परिवारों को मिलने के लिए मैंने एक प्लान बनाया जिसमें हम इन वीरों के घरों में जाएं, इनके परिवार के सदस्यों को मिलें और हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है, यानी हमारे जो बच्चे हैं और हमारे युवा हैं, वो इनसे इंस्पायरेशन लें। आपको पता ही है, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हम चाहते हैं कि इस तरह की इनकी गाथाएं, वीर गाथाएं जो हैं, वो हिस्ट्री की वीर गाथाएं जो हैं, वो हमारी टेक्स्ट बुक में आए। हमारे एक और जो बहादुर हैं यहाँ के मेजर सुधीर वालिया, उनके घर में भी जाएंगे। एक ही उद्देश्य है, देश के नौजवानों जागो, देश की हिस्ट्री को पहचानो। ये आपको पता होना चाहिए कि किसके खून से ये देश का जो झंडा है लहरा रहा है, किसके बलिदानों से ये देश खड़ा हुआ है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा ने बताया कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना दुनिया में लाजवाब है और भारतीय सेना के वीरों का कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार के ट्रेडिशंस हमारे देश में चल रहे हैं, बन रहे हैं। इससे पूर्व भी एक साइक्लिस्ट ट्रेडिशन हमारे पास आया था और लगता है कि देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है और राष्ट्रीयता की भावना भी उनमें पैदा हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। इस प्रकार से हमारी जो आर्मी है उनको भी हम एनकरेजमेंट देते हैं और मेरी समझ से कि भारत की जो आर्मी है ये दुनिया में लाजवाब है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। परमवीर साइकिल रैली के माध्यम से एक ओर जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं युवाओं में भी देश सेवा के प्रति अलख जगाई गई। पालमपुर से डीडी न्यूज के लिए संजीव राणा की रिपोर्ट।